इस संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि किस तरह कलयुग का विनाश होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे। पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि सबसे पहले प्रलय शुरू होगा पानी से, फिर अग्नि से, उसके बाद होगा वायु से। इस प्रकार इस कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः नए युग की शुरुआत होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत। कितना रह गया है कलयुग? कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी केवल 5,123 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग खत्म होने में अभी 4,26,877 वर्ष बाकी हैं। क्या है कलयुग? कलयुग अर्थात काला युग। कल है कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 अंश ही रह गया है। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जिस समय कल्कि का अवतार होगा, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती होने लगेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। कलयुग के अंत में अन्न नहीं उगेंगे, लोग मांस मछली खाएंगे, भेड़ बकरियों के दूध पिएंगे, गाय का दिखना बंद हो जाएगा, होगी तो वह बकरी के समान होगी और वह दूध देना भी बंद कर देगी, पेड़ों पर फल भी नहीं उगेंगे। कैसा होगा स्त्रियों का स्वभाव? कलयुग के अंत में स्त्रियां कठोर और कड़वी बोली बोलेंगी, वे पतिव्रता धर्म भूल जाएंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा केवल उसी के पास स्त्रियां होंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। कलयुग में पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा होगी। कलयुग के अंत में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, केवल अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। कलयुग के अंत में बहुत समय तक सूखा रहने के बाद बहुत अधिक वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और समस्त पृथ्वी पर केवल पानी होगा और इस तरह मनुष्य का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों, कलयुग के अंत में अभी बहुत समय बाकी है। तो मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस समय आप केवल अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।